सो हेलो गाइस यार, आप लोग का स्वागत है एक और न्यू जीडे 5 की कमाल की वीडियो में। एंड गाइस देखो यार भाई, हम लोग फाइनली अवेंजर्स हाउस जा रहे हैं भाई अपनी न्यू मारियो वाली ये गाड़ी दिखाने के लिए। चलो यार जल्दी से जाते। एक सेकंड, अंदर में भाई कुछ और ही खिचड़ी पक रही है मुझे तो लगता है। अरे यार क्या चल रहा है भाई सब तुम लोगों का? एक सेकंड भाई, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ हो गया क्या पंगा? आइला सही टाइम पे आए हो फ्रैंकलिन। और एक सेकंड, ये क्या है? अरे यार स्पाइडरमैन, पता है ये मारियो की गाड़ी है ना कमाल की। आइला हाँ कमाल की है, क्या मैं चला सकता हूँ? ना ना भाई तू मत चला, तू किसी को भी ठोक देता है। आइला मैं कहाँ किसी को ठोकता हूँ, मैं तो खतरनाक तरीके से चलाता हूँ। अरे यार मैं बोला ना तू किसी को भी ठोक देता है। आइला नहीं ठोकता। अरे यार देखा आयरन मैन को ठोक ही डाला। आइला लगता है गलती से ठोक ही दिया मैंने। एक काम करता हूँ चुपचाप रख देता हूँ, पता चला किसी और को ठोक दिया। हल्को ठोक दिया तो वो मुझे ठोक देगा। स्पाइडरमैन मैं तुझे हजार बार बोल चुका हूँ, घर में गाड़ी नहीं चलाया करो, बाहर में गाड़ी नहीं चलाया करो, तुम गाड़ी नहीं चलाया करो। आइला हाँ सर जी, मैंने गाड़ी छोड़ दिया, नहीं चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, पता है आयरन मैन ने ना एक खतरनाक सी दिमाग की मशीन बनाई है। एक सेकंड, दिमाग की मशीन? दिमाग की मशीन तो मतलब पागल वाली मशीन, पागल खाने वाली मशीन, जो पागल हो तो उससे भाई चेक किया जाता है। एक सेकंड, तो भाई इसमें ये क्या है? मतलब तुम लोग मेरे ऊपर टेस्ट करोगे, पागल हो क्या? आइला हाँ और नहीं तो क्या, ऐसे भी मुझे लगता है तुम्हारी दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है। ऐसे हिसाब से तो सबसे पहले तुम्हारा चेक होना चाहिए स्पाइडरमैन, उसके बाद मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे अवेंजर्स में से सबसे हल्का दिमाग तो तुम्हारा ही है। कम से कम ये मशीन से तुम्हारा दिमाग तो बढ़ जाएगा। आइला क्या बोलते हो फ्रैंकलिन, मेरा इज्जती करते हो? और नहीं तो क्या, तुम बात ही ऐसी करते हो। अरे आयरन मैन ये बबूचा को क्यों बोलने बोलते हो, तुम ही बताओ कि भाई ये है क्या? भाई देखने में तो सच में कमाल का लग रहा है, मतलब यार ऐसा लग रहा है ये बहुत ही खतरनाक सी मशीन है भाई, लेकिन इससे होता है क्या अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया है। फ्रैंकलिन ये बहुत ही कमाल की मशीन है, अगर हम लोग चाहें तो किसी भी मतलब कि किसी भी इंसान के दिमाग के अंदर घुस सकते हैं। एक सेकंड, मतलब किसी भी दिमाग के अंदर घुस सकते हैं? भाई ये भी हम लोग को पता चल जाएगा उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ फ्रैंकलिन ये भी पता चल जाएगा, बट हम लोग सोच रहे हैं हम लोग किसके दिमाग के अंदर जाए। एक सेकंड, मेरे दिमाग के अंदर मत जाओ, मेरे दिमाग के अंदर क्या करके क्या करोगे? आइला हाँ सही बोल रहे हो, इसके दिमाग के अंदर जाएंगे तो चोरी चकारी के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। एक सेकंड, स्पाइडरमैन कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, चुप हो जा तू तो थोड़ी देर के लिए। भाई साहब किसके दिमाग में जाए? गाइस यार ये मशीन तो सच में कमाल की लग रही है, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग है ना भाई किसी के भी अंदर मतलब दिमाग के अंदर जाएंगे तो मजा आ जाएगा। किसके दिमाग के अंदर जाए मतलब समझ नहीं आ रहा। एक काम करते है ना भाई, हल्क के दिमाग के अंदर जाते। ऐसे भी यार हल्क बहुत ही खतरनाक है, सोचो उसके दिमाग में क्या चलता रहता होगा भाई, मजा आ जाएगा, तुम्हारा मशीन भी टेस्ट हो जाएगा और भाई हम लोग एक बार हल्के दिमाग के अंदर जाके देख भी लेंगे। आइला ठीक है मैं समझ गया, हम लोग हल्के दिमाग के अंदर जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत खतरा है फ्रैंकलिन, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बस मैं सिर्फ एक बार ही गया हूँ और तुम लोग बात करो सब लोग को जाने का, इसमें बहुत खतरा है। अरे यार खतरा फतरा कुछ नहीं होता, बस ये सब फालतू बातें हैं, तुम चालू करो कुछ नहीं होगा, चालू करो। भाई हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चारों चलेंगे, ऐसे भी हल्क तो यहाँ पे बैठा रहेगा, आयरन मैन स्पाइडरमैन मैं और कैप्टन अमेरिका ये चारों के चारों हल्के दिमाग के अंदर जाएंगे। चलो आयरन मैन चालू करो मशीन। ठीक है फ्रैंकलिन मैं मशीन चालू कर रहा हूँ, बट जो भी होगा ना तुम लोग अपना समझ लेना, मुझे कोई भी गड़बड़ लगेगा तो मैं तो भाग के आ जाऊंगा, देख लेना। चलो हल्क जल्दी से आ जाए मशीन के ऊपर। हल्क को दर्द नहीं होगा ना? नहीं कोई दर्द नहीं होगा, चिंता मत करो मैं अभी मशीन चालू करता हूँ और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर चलेंगे। कैप्टन अमेरिका जल्दी से इधर आ जाओ, मैं मशीन चालू करने वाला हूँ। अरे एक सेकंड, ये मशीन से आग क्यों निकल रहा है? फ्रैंकलिन लगता है ये मशीन में कुछ गड़बड़ हो चुकी है, मुझे मशीन को बंद करना पड़ेगा। अरे जल्दी बंद करो वरना हम लोग इसके अंदर चले जाएंगे। ओ नो गाइस यार ये क्या हो रहा है? भाई साहब हम लोग तो भाई ये हल्के दिमाग के अंदर जा रहे हैं। ओ नो ये हो क्या रहा है? अरे बाप रे ये क्या हो गया? भाई साहब मैं तो मशीन के सामने खड़ा था, ये मैं कहां नीचे गिर रहा हूँ? एक सेकंड मुझे लग रहा है भाई यार मैं तो हल्के दिमाग के अंदर आ चुका हूँ। भाई ये चल क्या रहा है? भाई साहब चलो जल्दी से पैराशूट खोलो। ओ यार फाइनली मैं बच गया। भाई साहब अच्छा हुआ मेरे पास पैराशूट था, तो वरना भाई अभी मैं धड़ाम से नीचे गिरता और मेरी हड्डी पसली भी टूट जाती। आराम से भाई नीचे आराम से भाई धीरे 150 रुपए एक्स्ट्रा ले पैराशूट, बट लैंड करा दे सेफ्टी से लैंड करा दे। एक सेकंड गाइस यार फाइनली यार अच्छे तरीके से लैंडिंग हो चुकी है। गाइस यार मेरे साथ तो तीन लोग और थे, स्पाइडरमैन हो गया भाई, आयरन मैन हो गया और कैप्टन अमेरिका हो गया, बट ये तीनों दिखाई नहीं दे रहे। और एक सेकंड भाई साहब ये गोल्फ कोर्ट इतना खाली क्यों है? ऐसे तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, मुझे क्यों लग रहा है हल्के दिमाग के अंदर कोई है ही नहीं? भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूँ यहाँ पे जल्दी से किसी को ढूंढने का कोशिश करता हूँ। कोई है? हेलो कोई है? आयरन मैन स्पाइडरमैन कोई है यहाँ पे?
अरे भाई साहब कोई तो यहाँ पे जवाब भी नहीं दे रहा। गाइजर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एक सेकंड, वहाँ पे मुझे कोई नजर आ रहा है। भाई ये तो स्पाइडरमैन है। ओ स्पाइडरमैन भाई, एक सेकंड, इसकी हालत तो ठीक थी, भाई तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? स्पाइडरमैन क्या हो गया भाई? ऊपर से नीचे कुत्ते कुत्ते झाड़ में अटक गए थे क्या कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? आइला नहीं फ्रैंकलिन, पता है हल्क के दिमाग के अंदर ना बहुत ही खतरनाक हल्क है, और एक पागल सा हल्क मेरे पीछे पड़ चुका है। एक सेकंड, कौन पागल सा हल्क? मुझकी कसम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लाल कलर का कोई मधुमक्खी घूम रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मधुमक्खी को मैं मार दूंगा, चीर दूंगा, तोड़ दूंगा। मुझकी कसम उसे छोड़ूंगा नहीं। ओए मधुमक्खी, रेड कलर की मधुमक्खी कहाँ चले गए? आइला देखो वो आ गया, मुझे मारेगा। बचाओ फ्रैंकली बचाओ, वो रेड हल्क मेरे पीछे पड़ चुका है। उसे रेड से नफरत है और वो मेरा रेड कलर देख करके मुझे मारने के लिए पीछे पड़ चुका है। अरे गाइजर ये कौन सी नई मुसीबत आ चुकी है, अब हम लोग क्या करे बचने के लिए? भाई ये तो सच में हमारे पीछे पड़ चुका है। भाई ये मुच्छर रेड हल्क तो बहुत ही खतरनाक है, और ये हल्के दिमाग के अंदर क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता मत कर स्पाइडरमैन, मेरे पास ना एक शॉक वाली मशीन है, मैं एक काम करता हूँ उसे शॉक दे करके हम लोग यहाँ से जल्दी से भागते हैं। आई लव फ्रैंकलिन, ठीक है जल्दी करो, वो तो मुझे मार ही डालेगा। बट उसके लिए काम करो, सबसे पहले तुम उसके सामने जाओ, और वो जैसे ही तुम्हारे सामने मारने के लिए आएगा मैं उसे शॉक दे दूंगा। आइला ठीक है, बट शॉक दे देना उसे, वरना वो मुझे मार देगा। लो रेड हल्क में आ गया, मुझे मारो। मुझकी कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये लो। अब बच के कहां जाएगा बिड़ो, ये लो तुम भी। भाई साहब फाइनल यार हम लोग ने इसे बेहोश कर दिया। भाई स्पाइडरमैन देख क्या रहा है, जल्दी यहाँ से भाग। भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक हल्क है, जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी भाग। अरे यार जल्दी से आओ गाड़ी में बैठो यार, स्पाइडरमैन जल्दी से भागते हैं। अगर वो रेड हल्क जाग गया ना तो भाई सच में तुम्हारी ना चटनी बना के रख देगा। आई लव फ्रैंकलिन, मेरा किस्मत ही खराब है, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अरे यार सही बोल रहा है, मुझे भी भाई ऐसा लग रहा है, मुझे भाई हल्क के दिमाग के अंदर आने नहीं चाहिए था। भाई साहब इसका दिमाग नहीं तो पता नहीं क्या है, पूरा लॉस सेंटोस का मैपिंग बना के रखा है। पता नहीं यार अब हमें क्या क्या चीज देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। अरे एक बात तो बताओ, हमारे साथ तो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका भी थे, वो कहाँ गए? आइला क्या पता, चलो ढूंढने चलते हैं। अरे हाँ ढूंढने चलते हैं, पर एक सेकंड ये सामने कौन है? भाई ये तो भाई स्पाइडर हल्क है, और भाई हम लोग ने इसे ठोक दिया। भाई अब यार ये हमारे साथ पता नहीं क्या करके, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भागो। ए इसने हमें ठोका, अब मैं इसकी गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा, ये लो मैं तुम्हारी गाड़ी को उठा के बाहर फेंक दूंगा, ये लो, आइंदा मुझे कभी ठोकना मत। अरे जल्दी भागो स्पाइडरमैन, जल्दी भागो। आइला भागो भागो, वो तो हमारे पीछे पड़ के, भागो भागो जल्दी भागो। अरे हाँ जल्दी भागो, जल्दी भागो। भाई साहब हमको लगता है ना हल्के दिमाग के अंदर बहुत सारे हल्के हैं, अलग अलग प्रकार के हल्के। अरे भाग भाग जल्दी भाग। आइला मैं फर्स्ट। अरे यार कहाँ जाएगा फर्स्ट करते करते, जल्दी भाग बेबा जल्दी भाग। अरे भाई जल्दी भाग। भाई साहब अब क्या करें मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड यहाँ पे गाड़ी है, जल्दी आ जाए स्पाइडरमैन, गाड़ी में बैठ यहाँ से निकलते हैं। अगर वो स्पाइडर हल्क देख लिया ना तो भाई सच में वो हमें छोड़ेगा नहीं, जल्दी भागते यहाँ से। आइला क्या फ्रैंकलिन, उसी को ठोकना था क्या? एक सेकंड यहाँ पे तुझे कोई और दिख रहा है क्या जो मैं ठोकूं उसे? भाई साहब कैसी बात कर रहा है। भाई एक सेकंड अंदर कौन है? भाई अंदर तो मुझे लग रहा है कैप्टन हल्क है, और भाई वहाँ पे तो देखो भाई हमारा आयरन मैन भी है। गाइजर मुझे लगता है कैप्टन हल्क ने आयरन मैन को पकड़ लिया, अब क्या करें? आइला फ्रैंकलिन बेहोश करने वाली, गन निकालो और जल्दी से बेहोश कर दो। अच्छा ठीक है मैं जल्दी से बेहोश करता हूँ। चलो गाइजर जल्दी से आयरन मैन को बेहोश कर देता हूँ, ये ले बेहोश हो जा। आइला फ्रैंकलिन आयरन मैन को नहीं, मैं हल्क को बोला था बेहोश करने। अच्छा हल्क को बोला था, भाई पूरा बात बोला करना। भाई साहब हम लोग ने तो दोनों को ही बेहोश कर दिया, मतलब यहाँ पे आयरन मैन भी बेहोश होकर यहाँ पे भाई कैप्टन हल्क भी बेहोश हो गया, अब क्या करें? आइला करना क्या है, जल्दी से आयरन मैन को उठाओ। अरे यार उठाओ कैसे, एक काम करता हूँ ये गन को वापस से मारता हूँ, देखते उठता है कि नहीं उठता, ये ले। भाई साहब फाइनल यार आयरन मैन जाग गया। फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो यार, मैं यहाँ पे आके ऑलरेडी फंस चुका और तुम मुझे ही बेहोश कर रहे हो। अरे ना ना भाई, वो स्पाइडरमैन के चक्कर में ऐसा हो गया था। भाई स्पाइडरमैन ने कहा कि बेहोश कर दो तो मैंने बेहोश कर दिया तुम्हें। भाई साहब स्पाइडरमैन तो पूरा बात बोलता नहीं है, अब यार वो जागने से पहले जल्दी से निकलो गाड़ी में बैठो, आओ जल्दी से निकलते हैं। फ्रैंकलिन वो सब तो ठीक है, बट कैप्टन अमेरिका अभी भी लापता है। अरे हाँ यार वो तो मुझे भी पता चल रहा है, भाई यहाँ पे हम लोग तीन लोगों को ढूंढ चुके हैं, बट अभी भी एक लोग बाकी है ढूंढना। भाई कैप्टन अमेरिका पता नहीं कहाँ होगा। चलो यार एक काम करते हैं, जल्दी से ढूंढते हैं कैप्टन अमेरिका को। भाई यार देख रो, मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई और हल्क भी जरूर होगा। भाई यहाँ पे ये हल्के दिमाग के अंदर तो इतने सारे हल्के कि भाई मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि भाई कितने सारे
सारे हल्के हैं। आइला क्या बोला है फ्रैंकलिन, मजा आ गया। एक सेकंड, मैं कोई मुहावरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। भाई साहब देख रहे हो ना कितने सारे हल्के हैं, मतलब पागल हो जाओगे देखते देखते। हाँ फ्रैंकलिन ये तो बात सच है, बट हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका को ढूंढते। अरे हाँ भाई, सबसे पहले कैप्टन अमेरिका को ढूंढते, पता नहीं वो चला कहाँ गया। भाई साहब हम लोग तो एक साथ ही हल्के दिमाग के अंदर आए थे, बट वो अभी भी नहीं मिल रहा। भाई वो गया तो गया कहाँ, वो देखो वो रहा कैप्टन हल्क, और वो देखो मार खा रहा है। एक सेकंड भाई, इतना लुल्लू पुल्लू एक यहाँ पे हल्क है, वो भाई कैप्टन अमेरिका को मार रहा है। देख रहे हो भाई साहब, इसे छोड़ेंगे नहीं। ये ले लुल्लू पुल्लू हल्क, ये ले मैं तुझे ठोक दिया, कैसा लगा। भाई एक काम कर, जल्दी आ जाए कैप्टन अमेरिका, जल्दी गाड़ी में आके बैठ। शुक्र है तुम लोग ने मुझे बचा लिया, मुझे लगा था कि आज तो मैं मर ही जावा। अरे जल्दी बैठ, डायलॉग बाद में मारना। भाई वो फिर से आ गया तुझे मारने के लिए। भाई जल्दी बैठते कि नहीं बैठता। भाई साहब इसे तो भाई मैं मार के छोड़ूंगा, ये ले भाई इतने लुल्ली पुल्ली हल्क है ना, मैं क्या ही बताओ। ये लुल्ली पुल्ली हल्क भाई हमारे कैप्टन अमेरिका को मार रहा है, ये ले मार खा, पूरे तरीके से खत्म हो जा, पूरे तरीके से मैं मर्द मार दूंगा मैं इसे, ये ले ये ले ये ले ये ले। कैसा लगा फाइनली गाइस, हम लोग ने इसे मार दिया है। सो गाइस यार चलो यार अब जल्दी से निकलते भाई घर के लिए। बट एक सेकंड यार, हम लोग घर जाएंगे कैसे, यहाँ से भाई निकलना ही इम्पॉसिबल है। भाई आयरन मैन क्या कहते हो। फ्रैंकलिन हमें काम करना पड़ेगा, जो मशीन हम लोग ने बनाया है वो मशीन हम लोग को फिर से यहाँ पे बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग अपने दुनिया में वापस निकल पाएंगे। एक सेकंड, मतलब वो सेम टू सेम मशीन तुमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब तुम जाकर के हल्के दिमाग से बाहर निकल पाओगे। अच्छा ऐसी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मुझे ये तो बता दो वो मशीन तुमने बनाया कहाँ पे था। मैंने वो मशीन लैबोरेटरी में बनाया था, वहीं जाना पड़ेगा। अच्छा भाई ठीक है यार, मैं जल्दी से लैबोरेटरी का भाई लोकेशन सेट करता हूँ और वहाँ जल्दी से निकलते हैं। भाई साहब यहाँ से ना लैबोरेटरी का रास्ता थोड़ा सा दूर है, हमें भाई जल्दी से निकलना पड़ेगा, और रास्ते में ना पता नहीं कैसे कैसे हल्क भी आ सकते हैं, इसलिए भाई हमें सावधान रहना पड़ेगा। भाई चलो यार जल्दी से निकलते हैं, जल्दी से भाई हम लोग लैबोरेटरी पहुँच जाए और भाई ये हल्क की दुनिया से बाहर निकल जाए। ये हल्क का दिमाग ना बहुत ही खतरनाक है। भाई फाइनली यार हम लोग लैबोरेटरी आ चुके हैं, बट एक सेकंड यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रहा है। भाई एक सेकंड ये क्या है, भाई यहाँ पे तो पूरे हल्क की आर्मी आ चुकी है। भाई साहब क्या हो गया यार। मुझको की कसम हम लोग तुम्हें हल्क की दुनिया से नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सेकंड ये क्या देखने के लिए मिल रहा है। भाई साहब देखो तो यार, यहाँ पे तो पूरे तरीके से ये लोग ने आर्मी खड़ी कर दी है। भाई लगता है ये लोग को पता चल चुका है कि भाई यहाँ पे एक मशीन है जिससे भाई हम लोग हल्के दिमाग से बाहर निकलने वाले, और मुझे नहीं लगता ये हमें भाई ऐसा करने देंगे। अब क्या करें गाइस यार, अब क्या करें। भाई ये लोग तो हमें जाने भी नहीं देंगे। भाई स्पाइडरमैन, भाई कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन, कोई प्लान है तुम्हारे पास। फ्रैंकलिन एक काम करो, तुम मशीन को जाके ऑन कर दो, बस बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। एक भी जन अगर मशीन को ऑन कर पाएगा तो हम लोग सब हल्के दिमाग से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, बट तुम लोग तीनों करोगे क्या। हम लोग तीनों ये सबको रोकेंगे। अच्छा भाई ठीक है, ये लो मेरी तरफ से गन रख लो। भाई ये गन से तुम ये सब लोग को बेहोश कर सकते हो। चलो गाइस यार अपना तो मेन मिशन है वो मशीन को ऑन करना। ठीक है यार तुम लोग फाइट करो, मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ। अवेंजर्स तैयार हो जाओ, हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये लो तुम भी लो, सबको खत्म कर देंगे। ये लो आइला। हाँ सर जी सबको खत्म कर देंगे। ये लो पूरे तरीके से खत्म हो जाओ, तुम भी लो पूरे तरीके से। ये लो और तुम भी लो पूरे तरीके से खत्म हो जाओ। चलो गाइस यार भाई हमारे अवेंजर्स तो काम पे लग चुके हैं, अब चलो यार मैं जल्दी से निकलता हूँ मशीन को ऑन करने के लिए। भाई यार शुक्रिया, चलो यार एक काम करते ये लोग को गाड़ी से उड़ा देता हूँ। ये लो ये लो ये लो। भाई साहब फाइनली तीन चार लोगों को तो मैंने गाड़ी से उड़ा दिया, अब चलो यार जल्दी से यहाँ से मशीन ढूंढते हैं, यहाँ पे मशीन कहाँ पे है। ओ भाई साहब चलो यार ड्रिफ्ट मारते मैंने निकाला, अब चलो यार मशीन को जल्दी से ढूंढते हैं। चलो यार जल्दी से भाई ऊपर चलते हैं। भाई मुझे लग रहा है यहीं पे मशीन है। फाइनली गाइस यार हमें मशीन मिल चुकी है, अब भाई 1 2 3 इसे भाई जल्दी से ऑन करते। ये लो भाई साहब ये ऑन तो हो चुका है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई साहब नहीं कर रहा क्या काम। ओके गाइस यार ये काम करने लगा, फाइनली मशीन चालू हो चुका है, हम लोग जल्दी से हल्के दिमाग के बाहर निकलने वाले हैं। फाइनली गाइस यार हम लोग भाई हल्के दिमाग से बाहर आ चुके हैं। भाई साहब हल्का दिमाग तो बहुत ही खतरनाक था, मतलब कितने सारे हल्क इसके अंदर थे मुझे भी समझ नहीं आया। लेकिन गाइस यार देखो यार बाकी सारे अवेंजर्स का हालत क्या हो चुका है, अंदर लड़ाई करते करते आयरन मैन तो पूरे तरीके से गॉड लेवल में अपग्रेड हो चुका था। सो गाइस यार नीचे कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, हल्के दिमाग के अंदर गए तो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते कि हम लोग भाई स्पाइडरमैन आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के दिमाग के भी अंदर जाए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और हमें इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड में फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।